ड्रॉप योर ईगो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अपने साथ में बहुत सारा ईगो कैरी करते हो। आप में से यदि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास में कुछ मार्क्स चले आते हैं, कुछ नंबर चले आते हैं, किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको लगता है यार मुझे तो आता है, मैं तो नेक्स्ट लेवल हूँ। जब ये वाली चीज आपके पास में चली जाती है, देन आप लाइफ में एग्जाम में सक्सीड नहीं कर पाओगे, आपकी ग्रोथ वहां से डाउन जाने लग जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे हैं जो बोलते हैं कि यार मैं किसी प्रोग्राम के लिए, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए मैं घर से पैसे नहीं लूंगा, घर से पैसे नहीं ले सकता, मेरे घर वाले मेरे पे खुद ही बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे कैसे पैसे ले सकता हूँ। आप अपना मोबाइल रिचार्ज घर से कराते हो, मोबाइल फोन घर से लियो, जो लैपटॉप है वो घर से लियो, जो कपड़े पहन रहे हो घर से ले रहे हो, इवन आपकी स्टडी पे खर्च कर रहे हैं आपके घर वाले, आपको खाना पीना खिला रहे घर वाले, लेकिन आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है जहां से आपकी ग्रोथ हो सकती है, बट यू डोंट थिंक यार मुझसे इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप वहां पे ईगो में चले आते हो कि नहीं नहीं मैं इस चीज के लिए घर से पैसे नहीं ले रहा। हर चीज के लिए आप ले सकते हो, लेकिन जब अपने सेल्फ ग्रोथ की बात आती है, जब किसी एक अच्छे प्रोग्राम में इनरोल करने की बात आती है जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, सही गाइडेंस दे सकता है, नहीं नहीं वहां पे तो हम नहीं इन्वेस्ट करने जाएंगे। ये वाली चीज आती है, इस ईगो को रखो साइड में। मैं आपको अपना खुद का इंसिडेंट बताता हूं। मुझे कम्युनिकेशन मास्टरी एक प्रोग्राम है राहुल भटनागर जी का, मेरे मेंटर है, मैं उनसे बहुत सारी चीजें सीख रहा हूं, उनके भाई सौरभ भटनागर मैं उनसे चीजें सीख रहा हूं, बहुत सारे और भी मेरे मेंटर हैं जिनसे मैं चीजें सीखता हूं। मुझे इनरोल करने थे उनके कम्युनिकेशन मास्टरी प्रोग्राम में, मेरे पे पैसे नहीं थे एंड मैं बीएचयू से उसमें पास आउट हो चुका, मेरे पे एक भी पैसे नहीं थे, एमएससी में मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा था, मेरे पे पैसे नहीं थे। मुझे उसमें इनरोल करनी थी, उसकी कॉस्ट 6,000 रुपीज। मैंने मम्मी से पैसे लिए 6,000, मैंने ये बोल के लिया मम्मी इवन मैं आपको इससे ज्यादा पैसे रिटर्न कर दूंगा, इवन मेरी मम्मी मेरे से पैसे नहीं लेंगी, आई एग्री, बट मैंने उनसे पैसे लिए ये बोल करके मैं आपको रिटर्न करूंगा, मैं इससे ज्यादा इवन आपको पे करूंगा। मैं वो कोर्स लिया बिकॉज मुझे मेरे पे लर्निंग थी, करनी थी, मुझे मेरी ग्रोथ चाहिए, मुझे नेक्स्ट लेवल जाना है, मुझे जो चीजें करनी है उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा, ये मैंने माइंड में बिठा लिया है। मैंने उस कोर्स के अंदर इनरोल करा, मैंने मम्मी से पैसे लिए थे। ये वाले ईगो साइड में रखो यार कि मेरी किताबों पे खर्चे जा रहे हैं, इन सब चीजों के लिए पैसे तो दे ही रहे हैं। यदि घर वाले इतनी सारी चीजों के लिए पैसे दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये वाली चीज मेरी ग्रोथ में हेल्प करने वाली है, टेक दैट मनी फ्रॉम देम, उनसे पैसे लो, दे आर रेडी टू हेल्प यू। मैं एक चीज एक बताता हूं, इफ यू विल नॉट आस्क फॉर द हेल्प द आंसर विल बी ऑलवेज नो। यदि आप नहीं पूछोगे हेल्प के लिए किसी से भी, द आंसर विल बी ऑलवेज नो। आपको पूछना पड़ेगा, आपको हेल्प के लिए हेल्प मांगनी पड़ेगी, जिससे भी हेल्प ले सकते हो टेक दैट हेल्प। डोंट बी इन योर यार कि मुझे ये चीज आती है, मैं पढ़ रहा हूं मैं कर लूंगा। हर कुछ आप अपने से नहीं कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। आपको मेंटर चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको हेल्प चाहिए। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम ओनली द पर्सन जिससे आपको मेंटरशिप लेनी चाहिए, आई एम नॉट सेइंग दैट। आपको जहां से भी मेंटरशिप मिलती है, जहां से भी हेल्प मिल सकती है, जहां से गाइडेंस मिलती है, जहां से स्ट्रेटजी मिल सकती है, जहां से मटेरियल मिल सकता है, कुछ भी जहां से आपको हेल्प हो सकती है, टेक दैट हेल्प, टेक दैट अपॉर्चुनिटी, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। वहां इन्वेस्ट करो यदि करनी पड़ रही है तो। ईगो के अंदर मत रहो, ईगो विल नॉट कीप यू अहेड इन लाइफ, ईगो आपको आगे नहीं लेके जाने वाली है। यदि आपको 3 ऐसे साइन में बताता हूं, इनमें से एक भी आपके अंदर है, देन आप अपने संग में ईगो ले जा रहे हो, इनको हटाओ। पहली चीज, आप अपने मिस्टेक को यदि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स दैट यू आर कमिटिंग सम मिस्टेक, देन यू आर कैरिंग सम ईगो विथ योर सेल्फ। आप यदि रेडी नहीं हो एक्सेप्ट करने को, सपोज आपने कोई एग्जाम दिया उसमें बेटर नहीं हुआ, आपने कुछ गलतियां करी थी एंड आप उसको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं, मेरे मिस्टेक की वजह से मेरे मार्क्स कम आए हैं, मैं यदि ये वाली हेल्प ले लिया होता, ये वाली चीज मैं कर लिया होता, ये चीज मुझे कर लिया होता, हो गया होता। बट यदि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, देन आप ईगो कैरी कर रहे हैं आपके साथ। दूसरी चीज, आप टॉपर को कैसे ट्रीट करते हो, टॉपर को कैसे अप्रिशिएट करते हो, जो भी पर्सन सक्सेसफुल हो रहा है लाइफ के अंदर चाहे एग्जाम के अंदर, उनको कैसे ट्रीट करते हो, कैसे उनको देखते हो, मतलब सक्सेस को कैसे आप एडमायर करते हो, सक्सेस को कैसे आप एक्सेप्ट करते हो। यदि आप उनको एडमायर करते हो, तारीफ करते हो, सक्सेस देख कर आपके हैप्पी फीलिंग आती है, देन आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस, एग्जाम में टॉप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आप सक्सेसफुल पर्सन को देख करके चिढ़ते हो, आपको हैप्पी नहीं फील होती है, देन आप अपने साथ में ईगो कैरी कर रहे हो एंड आपको रियलाइज भी नहीं होगा अपने साथ में ईगो कैरी कर रहे हो। लीव दैट ईगो। यदि नेक्स्ट लेवल जानी है, एग्जाम में बढ़िया फोड़ना, लाइफ में अच्छा करना है, हटाना पड़ेगा यार, हटा दो।
मैं तो बहुत बार को अपने कई सारे दोस्तों से मुझे हेल्प चाहिए होती है, मैं पूछता हूँ, दे आर रेडी टू हेल्प मी, आई आस्क मल्टीपल टाइम। मैं तो अपने मेंटर को पूरी तरीके सरेंडर कर चुका हूँ, जो मुझे चीज़ें सिखाते हैं मैं सीखता हूँ, अप्लाई करता जाता हूँ। मैंने मल्टीपल कोर्सेज ले रखे हैं, अभी जैसे देखो मैं बहुत सारे बुक के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। ये देखो ये जो बुक है, बिलीव इन योर सेल्फ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अभी जो मैं अपना मेंटरशिप लेके आ रहा हूँ जो एमएससी प्रोग्राम के लिए होने वाला है, पहले मैं केमिस्ट्री के लिए लॉन्च करूंगा, देन आफ्टर मैथ और फिजिक्स के लिए भी लॉन्च होगी। उसमें भी कई सारे मेरे दोस्त हैं जो IITian है, कई सारे BHUL हैं, जो पूरा पूरा प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, दे विल गेट पेड बिकॉज मैं उनके काम की तारीफ करता हूँ, एडमायर करता हूँ, बिकॉज दे हैड डन समथिंग रिमार्केबल। उन्होंने एक एग्जाम में अच्छा रैंक फोड़ा है, पूरी पूरी सैक्रीफाइसेज की है थ्रू आउट द जर्नी, एफर्ट डाली है, हम क्यों उनको अप्रिसिएट ना करें? बिल्कुल करते हैं, मैं तो करता हूँ, मैं उनकी वैल्यू करता हूँ, मैं खुद अपनी वैल्यू करता हूँ, उनकी वैल्यू, जो भी लाइफ में बेटर कर रहे हैं, आई वैल्यू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम जो भी लाइफ में बेटर कर रहे हैं। एंड थर्ड चीज जिससे आपको पता चलेगा आपके पास में ईगो है, आप ईगो कैरी करते हो, थर्ड चीज ये है कि आप अदर लोगों को कैसे ट्रीट करते हो जो आपके थोड़े नीचे लेवल के हैं। मतलब कि सपोज किसी होटल में गए, वहाँ के वेटर हो गए, या फिर जो क्लास का बच्चा ऐसा जो आपसे पढ़ने में कमजोर है, उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे कॉलेज का बच्चा BHU का, मेरा क्लासमेट चंदन, चंदन की वीडियो चैनल पर डाल रखी, आप उनको देख सकते हो, IIT रुड़की के अंदर है चंदन, क्लास 12th के बाद BHU के अंदर आते, कई बच्चे क्लास 12th में 12th के बाद BHU में नहीं जा पाते हैं, मैं खुद भी 12th के बाद नहीं गया था, मैं ड्रॉप आउट था, तब गया था BHU के अंदर। चंदन कंटिन्यूअस बेसिस पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल चंदन को नहीं समझ में आती थी, बिल्कुल नहीं समझ आती, जितने भी दोस्तों से पूछ सकता, इवन मेरे से भी कई बार चंदन पूछा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जिससे भी पूछ सकता था चंदन, हर किसी से पूछा, बंदा लगातार कंटिन्यू बेसिस पर पढ़ता गया, आई अप्रिसिएट हिम, इतनी एफर्ट डाला चंदन, आज वो IIT के अंदर है, इवन टाइफर का भी बंदा इंटरव्यू क्वालिफाई करा है, टाइफर में भी सेलेक्टेड है बंदा। आप कंटिन्यू बेसिस पे एफर्ट डालते जाते हो, हेल्प लेते जाते हो, देन आप बेटर हो जाते हो। तो आप ईगो हटाओ, यदि ईगो रहता कि यार मैं 12th के बाद आ गया हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, फिर नहीं कर पाता, तो उनको भी आप अच्छे से ट्रीट करो जो आपसे अच्छे लेवल पे नहीं है, वो थोड़े कमजोर है क्लास में पढ़ने में, ट्रीट देम वेल। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय। याद रखना भाई, एग्जाम फोड़ के आना है, ईगो ड्रॉप करके जाना है।